नमस्कार दोस्तों, इसराइल और हमास के युद्ध में अब इसराइल ने अपना एक नया ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। ये बात पिछले कई टाइम से चल रही थी कि इसराइल जो है वो अब हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका है। मतलब हमास का जो सीनियर ऑफिशियल है वो वहाँ से भाग चुका है, वो कतर में छिपे हुए हैं। जो बचे कुचे हमास के मिलिटेंट्स हैं उनको चुन चुन के मार ही रहा है इसराइल। अब इसराइल जो है वो वेट कर रहा था बहुत पेशेंटली कि कुछ ऐसे मुझे मौका मिले कि मैं यमन, मतलब ये जो हूदी रिबेल्स हैं या जो हिजबुल्ला है उनको टारगेट कर पाऊं। और वो मौका अब हूदी रिबेल्स ने इसराइल को अल्टीमेटली दे दिया है। अब इसराइल ने यमन के ऊपर नया ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया और यमन की टेरिटरी पर डायरेक्टली इसराइल ने अटैक कर दिया है। अब जो ये अटैक किया है, जो हूदी कंट्रोल्ड एरिया है यमन का, हूदी रिबेल्स, आपको पता होगा कि जो सिविल वॉर हुआ था यमन का, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है, जो पोर्ट सिटीज़ हैं, जो रेड सी से लगने वाला हिस्सा है यमन का, उसके ऊपर हूदी रिबेल्स ने कंट्रोल ले लिया था। तो उनकी जो सरकार है वो दूसरी तरफ है और हूदी रिबेल्स जो है वो अपनी एक तरीके से यमन के अंदर में सरकार चलाते हैं, एक पूरे एरिया के अंदर में। तो जो एरिया हूदी रिबेल्स के अंदर आता था उस एरिया को अटैक कर दिया है इसराइल ने, डायरेक्टली अटैक किया। और बाकायदे उस अटैक को करने के बाद में उसकी जिम्मेदारी भी ली है। मतलब इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने बाकायदे अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके वो जिम्मेदारी ली है। अब यहां पर जो ये अटैक हुआ है, ये एक्चुअली में हुआ क्यों है और कैसे हूदी रिबेल्स ने उनको मौका दे दिया, हुआ क्या कि सैटरडे यानी कि 20 जुलाई के दिन एक अटैक किया गया इसराइल की तेल अवीव सिटी पर। और उस अटैक में हुआ क्या कि एक इसराइली सिटीजन की उसमें डेथ हो गई। और इस इसराइली सिटीजन की कैजुअल्टी के बाद इसराइल के सोशल मीडिया पे ये चीज़ आग की तरह फैलने लग गई कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, लोग बहुत क्रिटिसाइज करने लगे। तो उसके बाद ये बेंजामिन नेतन्याहू को ये स्टेप एक्चुअल में लेना ही था। अब आप देखिए कि इसराइल जो है ना, वो अपने सिटीजन्स के ऊपर बिल्कुल भी किसी भी तरीके की अगर आँच आ जाती है तो वो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा पावर दिखाते हैं हर जगह पर। आप देखिए कि जो इसराइली ओलंपिक प्लेयर्स जो थे जिनके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद क्या किया गया इसराइल द्वारा, चुन चुन के टेररिस्ट ग्रुप्स के जो भी लोग दूर दूर तक भी इन्वॉल्व थे उनको खोज खोज के उनकी कंट्री से निकाल निकाल के मारा था इसराइल ने। उसके बाद आप देखिए कि जो हमास ने किया इसराइली सिटीजन्स के साथ, उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया कहती रह गई इसराइल को, यूएन से लेकर के रेड क्रॉस से लेकर के सब ने कहा कि भाई देखो पैलेस्टीनियन सिविलियंस की कैजुअल्टी ना हो, पैलेस्टीनियन सिविलियंस को कोई इसमें खतरा ना हो, लेकिन इसराइल ने कुछ भी नहीं सुना। खुले आम हॉस्पिटल्स को बॉम्बार्ड किया, स्कूल्स को बॉम्बार्ड किया, जहां भी उनको थोड़ा सा भी शक था कि यहां पर हमास के मिलिटेंट्स छुप सकते हैं, हर उस जगह पर बम गिराए गए, हर उस जगह पर घुस करके मारा गया। और इसमें अल्टीमेटली क्या होता है, 40,000 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की कम से कम कैजुअल्टी इसमें हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि इसराइल कितना बड़ा ऑफेंसिव लेता है इस केस में। तो यहां पर हूदी रिबेल्स ने वही मौका इसराइल को एक बार फिर दे दिया है, जब इसमें जो इसराइली सिटीजन है उनकी डेथ हुई, उसके बाद इसराइल ने फाइटर जेट्स की मदद से लगातार कई घंटों तक जो भी हूदी टारगेट थे, जो हाइडआउट्स थे उनके यमन के अंदर, हाइडआउट्स तो क्या ही कहेंगे, जो यमन में उनकी हूदीज़ की टेरिटरी थी उसको टारगेट करते रहे। और बाकायदे इसमें बताया गया है कि जो वहाँ की पोर्ट सिटी है जिसका नाम है अल हुदायदा पोर्ट सिटी, उस अल हुदायदा पोर्ट के ऊपर ज़्यादा अटैक किया गया, क्योंकि जो हूदीज़ को ऑपरेट करने के लिए अल्टीमेटली जो ऑयल है, जो डीजल है, वो यहीं पर पहुंचता है। उसके आसपास में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जहां से पूरे उस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उस पर अटैक किया गया है। बकायदा अभी मैं आपको मैप से दिखा दूंगा। और इस अटैक के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बकायदे अपने ट्विटर हैंडल से बताया है कि जो ये हम हूदी के जो भी स्ट्रांग होल्ड्स थे यमन के अंदर में, उस पर हमने अटैक किया है और ये हमारा रिटेलिएशन अटैक है, और बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, हम डिफेंस कर रहे हैं। अब देखो इसराइल को ना ये मौका चाहिए भी था, क्योंकि अब हमास खत्म हो चुका था, उस वॉर में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, सीज फायर साइन करना नहीं है उनको, हमास के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी खत्म करना है, और वॉर एंड हो नहीं रहा है बेंजामिन नेतन्याहू से, इलेक्शन को वो लगातार डिले करते जा रहे हैं, और वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज का जो इशू चल रहा है इसराइल में वो चल ही रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। तो उनको कुछ नया चाहिए था जिसको एक वो कैंपेनिंग मुद्दा बना पाए, और वो मुद्दा अब हूदीज ने दे दिया है उनको। अब जो ये अटैक किया है इसराइल ने, उसकी जानकारी जो हूदी कंट्रोल मीडिया है अल मसीरा टीवी, उन्होंने दिया है। तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि नहीं ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है, बिकॉज इसराइल जब भी अटैक, जो ईरान वाला केस हुआ था उसमें यही बोला गया था, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी अटैक नहीं हुआ, किसी की कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन यहां पर अब ये चीज छुपने वाली नहीं है,
अल मसीरा टीवी ने भी, जो कि हूदीज का अपना टीवी चैनल है, आप समझ सकते हो कि कितने स्ट्रांग होल्ड है, कितना स्ट्रांग होल्ड है उनका ये, उन्होंने भी बताया कि जो हमारी पोर्ट सिटी थी उसके ऊपर अटैक हुआ है, जहां पर हमारी पूरा डीजल ऑयल था वो जल के राख हो चुका है पूरी तरीके से। बहुत बड़ी लपटें जो अभी आप वीडियो में स्टार्टिंग में देख रहे थे, ये बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी, ये उसी पोर्ट सिटी पर जो अटैक किया इसराइल ने वहां से निकल रही थी। और सिमिलरली जो यमन के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी बताया है कि इस स्ट्राइक में बहुत सारे लोगों की जान गई है, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक नंबर इसमें नहीं निकाला गया और स्पेसिफिक नंबर निकाला भी नहीं जाएगा, बिकॉज ये एक तरीके से हार मानी जाती है। ऐसे स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर्स में अगर आपके बहुत सारे लोग मर रहे हैं तो इसको एक हार की तरह लिया जाता है। तो अभी ये जो नंबर्स है वो हूदी रिबेल्स निकालेंगे भी नहीं। अगर आप मैप से देखोगे तो मैप में यहाँ पर आपको जो ये रेड वाले हिस्से दिख रहे हैं, जो सना की ये सिटी है, उसके बाद बालहाफ, एडेन, ये सारी जो जगहें हैं, ये सब जो रेड कलर से मार्क्ड डॉट्स हैं और स्टार है, ये सारी जो है वो यमन की सरकार के अंदर में सारी जगहें हैं। लेकिन यहाँ पर दो आपको अल सलीफ और अल हुदायदा, ये दोनों जो पोर्ट्स हैं ये बेसिकली यहूदी रिबेल्स का एरिया है और यहूदी रिबेल्स यहाँ पर पूरे खुले तौर पर ऑपरेट करते हैं। तो ये जो अटैक किया गया इसी अल हुदायदा जो पोर्ट है वहाँ पर ये अटैक किया गया है, और बुरी तरीके से जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी, जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लपटें निकल रही हैं, वो वहीं का है। अब इस अटैक को करने के बाद एक स्ट्रांग मैसेज, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत स्ट्रांग मैसेज देंगे, वो मैसेज उन्होंने दिया भी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी आप इस बहकावे में मत रहो कि आप इसराइली सिटीजन्स के ऊपर आंच उठाओगे या आप इजरायली सिटीजन्स को टारगेट करोगे और इजराइल यहां पर शांत बैठेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल इसका मुंहतोड़ जवाब देगा और वही मुंहतोड़ जवाब दिया है। और उसको उन्होंने कहा कि जो रिटेलिएशन हम कर रहे हैं ये बेसिकली हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हालांकि ये डिफेंस बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। इजराइल ये पूरी तरीके से ऑफेंसिव ले रहा है और ये ऑफेंसिव उनको लेना भी था, उनके पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। अगर आप देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू के ऑप्शंस क्या हैं इस पूरे वॉरफेयर में, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है। बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, बेनी गांस बिल्कुल अपनी पूरी कैंपेनिंग जो है आप देखो जोरों शोरों से कर रहे हैं इसराइल के अंदर में। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज पार्टीज जो हैं वो ऑलरेडी नाराज हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। तो ही हैज़ टू गिव एन इंपॉर्टेंट मैसेज टू द वर्ल्ड, और दैट इंपॉर्टेंट मैसेज ही इज गिविंग, क्योंकि बिकॉज सी अब बेंजामिन नेतन्याहू को क्लियरली ये पता चल चुका है कि इलेक्शन तो उन्हें जीतने वाले हैं। जैसे यूएस में आपने देखा डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडेन को, कि उनको आइडिया हो चुका था कि अब वो नहीं जीत पाएंगे इस पूरे इलेक्शन को, और वो स्टेप डाउन कर गए और उनको पता थी ये सारी चीज़ें, तो रिस्पेक्टफुली ही स्टेप डाउन एंड ही वेंट अवे। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू विन द इलेक्शन एनीवे, तो अब उनके पास ऑप्शंस क्या हैं कि वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ करके जाएं जो उनके पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इसराइल के हुए सब ने अपनी अपनी लेगेसी छोड़ी हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू अपनी एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं अब ये सारी चीज़ें करके, ताकि जो आने वाले पीढ़ी है उनको याद हो कि हाँ एक ऐसा पर्सन था जिसने पूरे हमास को ख़त्म कर दिया। जैसे हमें सिक्स डेज वॉर याद रहता है इसराइल का, कि क्या किया था अरब देशों में इसराइल ने उस समय पर, अकेली एक छोटी सी कंट्री जिसने नाकों तले चने चबवा दिए थे इन सारी कंट्रीज से, इजिप्ट जैसी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज से। तो वही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये हमास जो पैलेस्टीन में कर रहे हैं, उसके बाद अब हम यमन के ऊपर जो उन्होंने किया है, और करने के बाद जो ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए जा रहे हैं, अगर आप देखो तो इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योआव गैलेंट ने तो बहुत बड़ी बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि ये जो आप आग जलती हुई देख रहे हो, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी वो वीडियो पूरी, ये आग पूरे मिडिल ईस्ट को दिखनी चाहिए, पूरे मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं जो इसराइल को हल्के में लेती हैं, ये पूरी आग उनको दिखनी चाहिए कि ये उनकी टेरिटरी पर भी हो सकता है, अगर वो इसराइल की तरफ आँख उठा करके भी देखेंगे, अगर वो इसराइल को टारगेट करने की मन में सोच भी रहे हैं, अगर ऐसा कोई ख्याल भी आ रहा है तो उस ख्याल को उड़ा दें अपने दिमाग से, बिकॉज यही आग उनकी टेरिटरी में भी जल सकती है। और ये सीधा सीधा मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन सारी कंट्रीज को। आपने देखा होगा कि इसराइल के जो सिटीजन्स हैं या इसराइल के जो ये बड़े ऑफिशियल्स हैं वो कतर को भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो हमास को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो इन कंट्रीज को जो बहुत अपने आप को डिप्लोमैट्स बनती हैं लेकिन वो टेररिस्टों को छुपाती हैं अपनी अपनी कंट्री में, उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, और वो स्ट्रांग मैसेज योआव गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों दे रहे हैं। बिकॉज सी योआव गैलेंट के ऊपर कई बड़े बड़े चार्जेस हैं। योआव गैलेंट को काफ़ी हेट किया जा रहा है अभी इसराइल में, क्योंकि ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर जब ये अटैक हुआ और इसमें इसराइली सिटीजन्स की डेथ हुई थी जो हमास ने किया था, और उनको उसका कोई आइडिया नहीं था, तो उसके लिए योआव गैलेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि वो डेस्परेशन और वो स्ट्रांग मैसेजिंग वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से इसराइल ने अब एक नया ऑफेंसिव यमन में लॉन्च कर दिया, और अब आप रोज़ एक न्यूज़ देखोगे जहाँ पर इसराइल अटैक कर रहा है उसका रिटेलिएशन हूदीज़ करेंगे, फिर इसराइल अटैक करेगा, तो ये सारी चीज़ें अब चलती रहेंगी। अभी रिसेंटली यमन ने मतलब हूदी रिबेल्स ने दोबारा से इसराइल के ऊपर, अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है कि दोबारा से इसराइल के ऊपर लॉन्च किया अटैक। लेकिन देखो हूदीज़
हूदीस के पास उतनी, मतलब जितना पावरफुल हमास है उतना हूदीस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न समझना आप, कि इनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि इसराइल जैसी कंट्री से डायरेक्टली भिड़ पाएँ। जो इनकी मिसाइल्स हैं वो भी बहुत सस्ती मिसाइल, जो मैंने आपको कहा था ना कि जो ईरान ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, सारी मिसाइल्स को इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था इसराइल वालों ने। क्यों इंटरसेप्ट कर लिया था? वो सस्ती मिसाइल्स थी। तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं है हुदी रिबेल्स के पास कि वो इसराइल की टेरिटरी पर डायरेक्ट अटैक कर पाए। अब वो जो ड्रोन अटैक हुआ था दैट वॉज आउट ऑफ द ब्लू, और वो बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइजिंग अटैक था। तो अगर सरप्राइज अटैक होता, अब यहाँ पर इसराइल बिल्कुल रेडी होगा हुदी रिबेल्स के अटैक के लिए, तो वो ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इसराइल उनको अटैक करता है तो यहाँ यमन के लिए और यमन की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो लेट्स सी ये इशू कहाँ बढ़ करके जाता है, बिकॉज अब ज़्यादा ऑप्शंस बेंजामिन नेतन्याहू के पास बचे नहीं हैं। सो ही विल कीप ऑन अटैकिंग दीज कंट्रीज जो किसी भी तरीके से इन टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट करते हुए आए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अन अकेडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अन अकेडमी ने, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो या 2026 की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अन अकेडमी ने अब आपकी राहें जो हैं वो बहुत आसान कर दी हैं। हमारा जो बिगेस्ट एवर इवेंट था अन अकेडमी यूपीएससी समिट, जिसमें हमने जो स्टूडेंट्स की पॉपुलर डिमांड थी उसको समझते हुए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि अब जो हमारा यूपीएससी सीएससी का 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होगा उसको कुछ दिनों के लिए उसका प्राइस हमने बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप किया उसमें, जिस कोर्स में 1.5-2 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते थे उसको कम करके हमने 23,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगी। आप जितने भी मेंस के टेस्ट लिखोगे सबका इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, मतलब आपका जीएस सीसीआर टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें कवर होगा, आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करना और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 कोड यूज कर लेना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल इसराइल के अटैक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, इस कोर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। याद से ध्यान में रखना कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, उस पर लिंक पर जाकर के आप इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।